मेरा श्याम हो जा, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हसी रात न होती, बहुत पुरानी बात याद दिलाई, वरना तो कभी इतनी हसी रात न होती। प्रेम की चार पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, जो मैंने अब तक कपिल जी जो अब तक सर्वश्रेष्ठ लिखा है वो आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए, न राधा सा न मेरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, बनू मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जा। बनू मैं रुक्मणी तेरी तू मेरा श्याम हो जाए। मंच से बहुत सारी बातें हुई हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, प्रेम की भी बातें हुई हैं। मैं एक बात कहती हूँ जो कहना बहुत जरूरी है, जब आपको किसी से प्रेम हो चाहे वो रिश्ते में आपका कोई भी हो, आप उसे रिश्ते में कुछ भी कहते हो, लेकिन यदि प्रेम सच्चा है तो ये पंक्तियां आज ही जाकर के कह दीजिए जो भी जरूरी हो, सुने। स्वागत। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। अब हाथ तैयार हो फलावदा वालों, हाथ भी, पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आपका मन मांगती हूं, केवल हाथ तैयार नहीं रखना है, इन्हें रिकॉर्ड भी करिए, और यदि नहीं रिकॉर्ड किया है तो जाकर के ये जरूर बताइए जो मैं कहने जा रही हूँ, सुनिएगा। कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज मत हो। मुझे तुम कुछ भी कह लेना, मगर नाराज
जो तुम जाते हो तो सुख के। आप सब मोहब्बत में तो है ना, सब मोहब्बत में है। चेयरमैन साहब नहीं, आपसे पूछ नहीं रही मैं, पता कर रही हूँ, मुझे पता। आप सब मोहब्बत में है। देखिए, यदि आप 25 साल से ऊपर हो गए हैं और अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है और कोई प्रेयसी भी नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। इसलिए मोहब्बत में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ और यहाँ ये कुछ जो लोग बैठे हैं उनको पंक्तियां सुना दूं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये के अक्सर टूट जाता है। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनेगा। बहुत शानदार आप लोग सुन रहे हैं, बाकी तो लोग जा ही चुके हैं और बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत शानदार। जितनी अच्छी आवाज उतना ही अच्छा कलाम। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ पूरे मंच की ओर से, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। कि अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। वाह वाह आती रहे। हाँ, सबको करनी है, आप तो कर ही रहे हैं, ये सामने भी कर रहे हैं, आपको वाह वाह करनी है। मैं जैसे ही पंक्ति सुनाऊं कि अगर तुम भी नहीं, अरे भाई दांत देनी है, दांत खाज खुजली नहीं देनी, सुनिएगा। अगर तुम भी नहीं हमसे तो फिर हम भी नहीं तुमसे। हाँ आई, थोड़ा और कोशिश करें। हाँ, अब जब मैं पढ़ूं तब एक कोशिश और करें। यार ये छोटा सा बच्चा ये रोज रात ऐसे ही बाबा करता है इस समय। इनके बाबा करने से ही यूपी में बाबा आए। सुनिएगा। अगर तुम भी और मैं तो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, आप लोग बाद में देख लेना, उठ उठ के देखने की जरूरत नहीं। सुनिएगा। हाँ, एक बार अब तालियां बजाइए इनके सम्मान में, बहुत बढ़िया। मैं अपनी कविता कंटिन्यू करूंगी, यहाँ से जरा ये जिक्र छिड़ गया है तो कपिल जी मैं कुछ पंक्तियों की अनुमति मांगती हूँ। बहुत शानदार, यहाँ पर लड़कियां, यहाँ नारी शक्ति बैठी हुई थी और वो सोच रही थी कि ये जो आई हैं इनमें से कुछ नृत्य करेंगी, डांस वांस होगा। बेचारे गांव के भोले भाले लोग सोच रहे होंगे ये जो आए हैं ये ढोल मंजीरा बजाएंगे, ये नाच लेंगी। जब पता चला यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो वो अपने अपने घर चली। लेकिन जो लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं उनको समर्पित करती हूँ, जो ये पंक्तियां मैं समर्पित करने जा रही हूँ उस नारी शक्ति को समर्पित करने जा रही हूँ, जो नारी शक्ति आज इस दौर में, इस देश में जरूरत है, इस पूरे विश्व में जरूरत है। जब आज से कुछ साल पहले निर्भया की घटना घटी थी, दामिनी की घटना घटी थी, तब पूरे घर, जिन लोगों तक ये बात पहुंची वो सब सहम गए थे। और आज जब हर जगह, हर रोज न्यूज चैनल्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को हम तक पहुंचते हुए देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चार पंक्तियां इन दोनों को समर्पित करती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। कि खून अंदर कहीं उबलता है, अब वो समय नहीं कि हम कृष्ण से कहें आओ चीर बढ़ाओ, अब वो समय नहीं कि हम भीष्म से कहें ये जख्म देखो, अब वो समय है जब नारियों को कुछ करना होगा
तब मैं ये चार पंक्तियां पहुंचाती हूँ। बहुत जिम्मेदारी की पंक्तियां हैं और वसीम जी ने बहुत शानदार बात कही थी इन बातों को लेकर के। मेरा मन है कि इन जिम्मेदारी की पंक्तियों को आप संभालें कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, चाहे वो घटना राजस्थान की हो, चाहे वो घटना छत्तीसगढ़ की हो, चाहे बेगूसराय बिहार की हो, चाहे मणिपुर की हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने की हो, यदि अनामिका अंबर मंच पे है तो ये पंक्तियां आप तक पहुंचनी जरूरी है। आपके हाथ हवा में उठने चाहिए थे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, जिनसे तूफान बच के चलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिनसे तूफान बच के चलता है। विडंबना देखिए मुझे ये बात कहते हुए, बहुत मुझे बात कहनी पड़ जाए, एक तवायफ को एक बात कहनी पड़ जाए, मैं उसकी बात यहाँ सुनाती हूँ। क्या कहा होगा जब छोटी छोटी बच्चियों को, चाहे वो 10 साल की है, 6 महीने की है, 2 महीने की है, किसी भी उम्र की है, यदि वो कहीं सुरक्षा नहीं पाती तो इस प्रकार की घटनाएं होती और इस प्रकार की बात सामने आती। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, पैसे मत देना मुझे पर। मैं अमित, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, आप लोगों ने मेरी बात रख दी, लेकिन गिड़गिड़ाने का समय नहीं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी विचार का हो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, यदि वो दोषी है तो वो दोषी है और उसके लिए क्या होना चाहिए। अब मैं आपका समर्थन मांगती हूँ, सुनिएगा, और मुझे आपका समर्थन चाहिए भी है कि जो परियों की पाखे नोचे उनके भी पर छटवा दो, जो परियों की पाखे नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, कि अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, और मासूमों की असमत से जो खेले उन हैवानों की आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। वाह जिंदाबाद, वाह वाह वाह।